हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? शाम के 6:30 बज रहे हैं और ऐसा भी हो सकता है कि 2-4 मिनट ऊपर हो रहे हो, अंधेरा होने वाला है बाहर। बस मैं लाइट जलाने जाऊंगी, पूजा वगैरह जो करनी है वो करनी है, और खाना जो शाम में होता है दूध उबालना, चाय पीना। मैं काफी दिनों से शाम में चाय नहीं पी रही हूँ, लेकिन आज मेरा मन है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया कि आज फिर से ठंड हो गई है। गर्मी हल्की सी होने लगती है जिस दिन धूप अच्छे से निकल जाती है, लेकिन नेक्स्ट डे क्या होता है, यहाँ पे बारिश हो जाती है या फिर मौसम ठंडा सा हो जाता है। आज बारिश तो नहीं हुई, लेकिन जो मौसम है वो बदला हुआ है, बादल हो रहे हैं, इस वजह से मौसम चेंज हो गया है। इसी वजह से बच्चे बीमार पड़ते हैं जब बार बार ये मौसम चेंज होता है। तो मेरे जो बाल हैं, मैंने वहां स्ट्रेट कराए थे मेरठ में, अभी तक ऐसे के ऐसे गए, और मेरा बिल्कुल इनको धोने का दिल नहीं कर रहा है अपने बालों को, क्योंकि मेरा मन कर रहा है ये फिर से वही हो जाएंगे, आगे से कर्ली कर्ली से हो जाते हैं मेरे इस साइड से इस साइड से। तो मैंने कहा नहीं, मैं अभी नहीं वॉश करती, तो मैं फ्राइडे में वॉश करूंगी। रिबॉन्डिंग कराने का तो मैं पिछले काफी महीनों से सोच रही हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं कराती, मुझे डर लगता है कि बाल खराब ना हो जाए, तो अभी तो नहीं कराऊंगी मैं, शायद मई के लास्ट में कराऊं। और गुड्डू की कल की है स्कूल की छुट्टी, इसीलिए मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि उसकी छुट्टी है तो मैं आराम से अपना ये भी काम कर सकती हूँ, घर का भी कर सकती हूँ। और तन्मय आ गया है, कर रहे हो डोरेमोन, दिखाओ अपना ला के ऊपर। तो मैं अभी चाय बनाने जाऊंगी किचन में अपने लिए, और तन्मय का डोरेमोन आ गया, डोरेमोन डोरेमोन, बड़ा प्यारा है, सॉफ्ट सा डोरेमोन, इसमें छोटी सी पॉकेट भी है। क्या है इसके अंदर, पॉकेट के अंदर कुछ भी नहीं है। क्या निकलता है डोरेमोन की पॉकेट में से? गैजेट्स। अच्छा, आज शाम को मैं खाने में पनीर से कुछ बनाऊंगी, मटर नहीं है तो मटर पनीर बना लेती, या तो कढ़ाई पनीर बनाऊंगी। कढ़ाई पनीर के लिए शिमला मिर्च नहीं है, वैसे तो वो वैसे भी बन जाएगी, हमने ही तो खानी है, तो सोचिए पनीर दो प्याजा बना लूं। और ये हम वेजिटेरियन के लिए स्पेशल डिनर, स्पेशल लंच, ये स्पेशल खाना होता है, जैसे पनीर हुआ, छोले हुए, राजमा हुए, काले चने हुए, इस तरीके से और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग स्पेशल, हमारे स्पेशल खाने में आती है। तो आज स्पेशल डिनर होगा, पनीर की कोई सब्जी बनेगी, उसके साथ रायता बनाऊंगी। सोच रही हूँ पूरी बना लूं, लेकिन पूरी मैं तो नहीं खाऊंगी, क्योंकि बहुत खा लिया मैंने पूरी पकवान, तो मैं तो सिंपल रोटी लूंगी। लेकिन विपिन को मैं आज स्पेशल दूंगी करके पूरा, तो उनके लिए मैं लच्छे वाले पराठे बना लूंगी, और गुड्डू को भी लच्छे वाले पराठे दे दूंगी, लेकिन गुड्डू खाएगी दाल से, वो पनीर से नहीं खाएगी। तन्मय मेरा मस्त है, वो किसी से भी खा लेगा। और मैं एक बात बताऊं आपको, गुड न्यूज देती हूँ कि तन्मय की मैंने दूध की बोतल छुटा दी, हट गई मेरे बच्चे की आदत, वो रात में भी कप से दूध पी के सोता है, सुबह उठ के भी कप से दूध पीता है। तो मैं अपने प्लान में कामयाब हो गई हूँ पूरी तरीके से, उसको मैंने बोला है, उसकी शीशी मेरठ में ही छूट गई है, जहां पे हम आए हैं अभी होके वहां पे, तो वो भूल ही गया अब तो पूरी तरीके से। तो इस तरीके से मैं हो गई हूँ अपने मकसद में कामयाब। तो मैं किचन में आ गई हूँ, और सबसे पहले मैं चाय बनाऊंगी अपने लिए और भाभी के लिए, क्योंकि मेरी भाभी से फ़ोन पे बात हुई है, तो वो थोड़ी देर में आ रही हैं। तो जब मैं अपने लिए बना रही हूँ, तो एक कप मैं एक्स्ट्रा बना लूँगी भाभी के लिए भी, मौसम भी ठंडा है, तो मैं और भाभी मिलके चाय पी लेंगे, और दूध भी उबलना है, तो इतना तक मैं, भाभी आती हैं, चाय बना लेती हूँ, दूध उबलने रख देती हूँ, और पनीर को भी मैंने बाहर निकाल के रख दिया है, रात लेकर आए थे ये, तो उसको पानी में डुबा के रख देते हैं किसी डोंगे में, तो उसको निकाल दिया है, जब बनाऊंगी तब तक वो रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा अच्छे से। और पैकेट का दूध की चाय बनाती हूँ मैं, और जो घर से किसी के घर से हमारा दूध आता है, भैंस का दूध लेते हैं हम, तो वो दूध 1 किलो आता है, तो उसको हम चाय में यूज़ नहीं करते हैं, उसको सिर्फ पीने के लिए यूज़ करते हैं, बच्चों को या इनको देना होता है। और ये पिनियाँ बहुत इकट्ठी हो गई थी, तो इनको आज मैं एक बड़ी पॉलीथीन में डाल के रख लूँगी, भाभी से पूछ लूँगी अगर उनको दुकान पर चाहिए तो वो ले जा लेंगे। और भाभी यहीं हैं, और वो आज वीडियो में नहीं आएंगी, उन्होंने मना कर दिया है कि आज मैं वीडियो में नहीं आऊँगी। तो बस फटाफट मैं इन पोलोथिन को कर देती हूँ, चाय मेरी बन चुकी है, चाय पीते हैं। और आज भाभी ने चाय के लिए भी मना कर दिया है कि वो पीकर आई है, क्योंकि मैंने उनसे पूछा नहीं था फ़ोन पे कि आप चाय पीकर आ रहे हो या नहीं पी के आ रहे हो, मैंने सीधा बना ली थी। तो भाभी चाय पीकर आई हैं, दूसरा कप मुझे गुड्डू को देना पड़ा बिस्किट के साथ।
मुझे सिंक में बर्तन पड़े हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो जितने भी बर्तन होते रहते हैं उनको मैं साथ के साथ साफ़ करती रहती हूँ। तो अभी जैसे चाय के बर्तन हुए थे और जो दूध की डोलची वगैरह थी उनको मैं साफ़ करके रख रही हूँ, उसके बाद मैं सब्जी बनाना शुरू करूँगी, क्योंकि बर्तन किचन में पड़ा हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम अपने बर्तनों को साथ के साथ साफ़ करते रहें, इससे जो बर्तन होते हैं वो भी कम होते हैं, और जब मैं हम उनको इकट्ठा करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो मैं जो पनीर की सब्जी बना रही हूँ उसके लिए मैंने 3 प्याज लिए हैं और 3 टमाटर लिए हैं। प्याज और टमाटर दोनों मीडियम साइज़ के हैं और इनको मैं ग्रेटर कर लूँगी, दोनों को मैं अलग अलग ग्रेट करूँगी। जैसे पहले प्याज को करूँगी, उसके बाद मैं टमाटर को करूँगी। मैंने यहाँ पे ना हरी मिर्च ली है, ना अदरक लिया है, ना लहसुन लिया है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लिया है। तो पनीर को मैंने काट के रख लिया था, अब उसमें मैं मसाले डाल रही हूँ। मसालों में मैं डाल रही हूँ सूखा धनिया पाउडर लिया है मैंने, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा एक चुटकी गरम मसाला भी डाला है और नमक डाला है। मसाले अपने अकॉर्डिंग रखने चाहिए कि हम कैसे खाते हैं उस हिसाब से रखने चाहिए मसाले। और मैंने इसमें 1 चम्मच रिफाइंड तेल भी डाला है, आप चाहें तो डाल लीजिए, नहीं चाहें तो मत डालिए। और कसूरी मेथी भी डाल रही हूँ मैं इसमें। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें दही डालूँगी, लेकिन पहले इसको अच्छे से मिक्स करना है मसाले को। और कभी कभी तो मैं क्या करती हूँ कि दही में ही सारे मसाले डाल देती हूँ और दही को अच्छे से फेंट के कटोरी में फिर मैं पनीर में डाल देती हूँ, फिर उसको मिक्स कर देती हूँ। लेकिन आज पहले मैंने मसाले डाल दिए हैं, फिर लास्ट में मैं दही डाल रही हूँ। तो दही को इस तरीके से फेंट के डालना चाहिए, एकदम डायरेक्ट अगर आप इसमें डाल देंगे तो वो मिक्स नहीं होगी, और जब हम चम्मच से पनीर को चलाते हैं तो उसके टूटने का डर रहता है, तो इस वजह से मैं इस तरीके से फेंट के डालती हूँ। तो जब तक मैंने पनीर को साइड में 20-25 मिनट के लिए छोड़ा है, तब तक मैं जो अपना आटा है वो गूंथ लेती हूँ। और आटे को गूंथने के लिए गुनगुने पानी का यूज़ करना चाहिए, और आटे को बहुत अच्छे से गूंथना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि बस हमें फटाफट गूंथना है और इसकी रोटियां बनानी है, नहीं, आटे को बहुत अच्छे से गूंथेंगे तो उसकी जो रोटियां होती हैं उसका स्वाद ही अलग आता है, और वो नरम बनती हैं, फूली फूली बनती हैं। तो आटे को अच्छे से गूंथे, इससे आपकी जो शरीर की एक्सरसाइज भी होगी और आटा भी अच्छे से गूंथ जाएगा। और जब आपको रोटियां बनानी हो उससे कम से कम 20 मिनट पहले आटे को गूंथ के रखना चाहिए, एकदम आटा गूंथ के रोटियां नहीं बनानी चाहिए, उसकी रोटियां अच्छी नहीं बनती हैं, सख्त सख्त बनती हैं। तो अब मैं करूंगी पनीर को फ्राई, और मैंने गैस ऑफ कर दी है क्योंकि तेल जो है वो बहुत गर्म हो गया है। मैंने सरसों का तेल लिया है यहाँ पे, तो वो जो है छींटे आती हैं एकदम से कुछ भी चीज़ डालने पर, क्योंकि तेल गर्म करना पड़ता है ज़्यादा ताकि उसकी जो झाल होती है वो निकल जाए। तो अभी मैं गैस ऑन कर लूँगी और मैं तेज़ गैस पर ही इसको 2-3 मिनट तक करूँगी पनीर को, ज़्यादा नहीं करूँगी, इसको ब्राउन नहीं करूँगी मैं, सॉफ्ट सॉफ्ट होने तक करूँगी। अगर मुझे इसको ब्राउन करना होता तो फिर मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करती, एक साथ मैं नहीं करती, एक साथ मैं इसको इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे सॉफ्ट करना है, ब्राउन नहीं करना है इसको, मुझे हार्ड नहीं बनाना है, सॉफ्ट रखना है इसको। तो मैं गुलाबी गुलाबी सा कर लूँगी बस। तो अभी ये हो गया है जैसा मुझे चाहिए, तो मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। और दही थी तो एकदम से इसने पानी वानी कर दिया था, लेकिन बाद में थोड़ी देर में वो ठीक हो गया था। तो जो तेल इसमें बचा है अब उसमें मैं देसी घी डाल रही हूँ, और देसी घी जब थोड़ा सा पिघल जाएगा उसमें मैं हरी इलायची और जीरा डाल दूँगी। आप चाहें तो इसमें और भी खड़े मसाले इस वक्त डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। और जो प्याज मैंने करके रखा था वो मैं इसमें डाल रही हूँ, और जब प्याज हल्का ब्राउन सा हो जाएगा तब उस वक्त मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी।
प्याज हो गए हैं ब्राउन ब्राउन से जैसे मेरे को चाहिए थे, तो प्याज को मैंने किया था तेज़ आंच पर तो वो जल्दी हो गए हैं, लेकिन टमाटर को मैं कम आंच पर ही पकाऊंगी ताकि वो अच्छे से जो तेल होता है वो उनसे अलग हो जाए। और प्याज और टमाटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें जो सूखे मसाले होते हैं वो डालूंगी। सूखे मसालों में मैं इसमें डालूंगी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, नमक और जो रंग वाली लाल मिर्च होती हैं वो डालूंगी। और इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको छोड़ दूंगी ढककर ताकि ये जो मसाला है वो तेल छोड़ दे। और जब मसाला तेल छोड़ देगा तो उसमें मैं प्याज जो मैंने काट के रखे हुए हैं वो ऐड करूंगी। ये प्याज मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि दूसरी बार प्याज चलने पर ये पनीर दो प्याज़ा बन जाए। आप चाहें तो इस प्याज को थोड़ा सा फ्राई करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सीधा ऐसे ही डाल दिए हैं। और जब ये प्याज हमारे अच्छे से हो जाएंगे मतलब सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसमें आधा कप पानी डालूंगी। आधा कप पानी जब उबल जाएगा वो पानी, तो उसमें मैं पनीर जो मैंने रखा हुआ है फ्राई करके वो मिक्स कर दूंगी। तो पानी जो है वो उबल चुका है, अब इसमें पनीर मिक्स करने का टाइम आ गया है तो पनीर मिक्स करूंगी। और पनीर को भी मैं इसमें मिक्स करने के बाद इसको 1 मिनट तक गैस पे रहने दूंगी सेम आँच पे, ताकि जो मसाले हैं पनीर है वो सब आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। बाहर कौन आया दूध पीने के लिए? नोनी। नोनी कौन है? डॉगी। डॉगी? हाँ। दे दो दूध उसको। हाँ दे दो। आजकल आप दूध कैसे पीते हो सबको बताओ। मैं बड़ा हो गया, मैं दूध किस में पीता हूँ कप बताओ सबको। कप में। बड़े हो गए ना। मैंने आपको एक बाबू दिखाया था ना जो कप में दूध पी रहा था। हाँ। है ना। हाँ। आप उसको देख के पी रहे हो ना पक्का? हाँ, पक्का। आप तो नहीं पियोगे बॉटल में? नहीं। आपकी बॉटल कहाँ पे रह गई? वहाँ पे। कहाँ पे? वापस जब रहेंगी। मेरठ। मेरठ रहेगी। रहेगी ना? हाँ रहेगी ना। अब रहेगी तो रहेगी। हाँ रहेगी रहेगी। अब क्या करना है, हमें पीना है कब से दूध? अब नोनी को तो दूध दे दूँ आपका? हाँ। है? नहीं नोनी का, मैं भी तो पीऊंगा। आप आपके लिए अलग है, नोनी के लिए अलग है। हाँ। चलो फिर नोनी, पापा को बुलाओ, पापा को बोलो डोगी को दूध दे दो। कहा हुआ, कहा हुआ? यही बैठ जा, यही बैठ जा, बैठ जा। दूधू पीना है ना, दूधू पीना है ना। दूधू आ गया, बैठ तो जा, आ रहा है, उसमें डालने तो दे। नहीं कह रहा, चलो अब अंदर चलो, परेशान नहीं करो उसको, चलो अंदर चलो, दूधू पीने दो उसको। तो मैं दही को इसी में अच्छे से फेंट लूंगी, फिर उसमें डालूंगी। मैं सिंपल रोटी खाऊंगी, पराठे नहीं खाऊंगी। गुड्डू तो पराठे ही खाती है, उसको जब खांसी थी तब रोटी देना स्टार्ट करा था,
तो इनके लिए भी पराठे बनाऊंगी और तंदे के लिए भी पराठा बनाऊंगी, अपने लिए सिंपल रोटी। ओके ये निकाय एक बार भी कि नहीं निक्की तुम भी खा लो ज्यादा अच्छी बात है, मत खा मत खा और क्या, रोटी खा, रोटी खाओ सिंपल। अच्छा डाइटिंग नहीं कर रहे? डाइटिंग तो नहीं करती मैं, चीजों पे कंट्रोल करती हूँ। ये अच्छा पराठा। तो अब मुझे भी पराठा ही मिल गया है क्योंकि इन्होंने बोला था कि मैं एक पराठा और लूँगा, लेकिन इन्होंने वो पराठा बनवाया था मेरे लिए, तो जब मैं इनके पास लेकर गई इन्होंने मना कर दिया, तो फिर वो पराठा मैं खा रही हूँ। और जो ये सब्ज़ी है बहुत टेस्टी बनी है, आप भी ट्राई करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। और जो ये वेज रायता है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है किसी और रायतों के मुकाबले, तो जब ये रायता बनता है तो मैं एक कटोरी तो इसको ऐसे ही रुखा खा जाती हूँ। तो ये लेके आए हैं रसगुल्ले, तो मैं इनको इसमें निकाल के रख लेती हूँ। एक जब भी रसगुल्ले आते हैं तो दूसरी तरह की मिठाई होती है बर्फी वगैरह, फिर तो मैं ऐसे ही रख देती हूँ डब्बे को। अब टाइम आ गया है वीडियो का एंड करने का, तो चलिए अब मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट, रात के 10 बजने वाले हैं, गुड नाइट।